जहाँ एक तरफ कई राउंड पूरे हो चुके हैं, उपचुनाव में लगातार समाजवादी पार्टी ने अपनी बढ़त बनाई हुई, वहाँ पर सब हम इस समय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर खड़े हैं। ये मुख्यालय यहाँ पे हम अपने पीछे ठीक दिखाएंगे कि जिस तरह से जहाँ पे कार्यकर्ता पूरी तरीके से भरे रहते थे और जोश और खरोश देखने को मिलता था, लेकिन वहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा छाया हुआ। कुछ ही लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, एक विधायक है, वो पूर्व विधायक हैं, वो यहाँ पर हैं, और पूरा पार्टी कार्यालय मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि पूरा जो पार्टी कार्यालय है पूरी तरीके से खाली है। जो यहाँ पर गर्मजोशी से जीत के जश्न मनाया जाना चाहिए था, जो जिस तरह से यहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए थी वो शायद यहाँ पर नहीं देख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं हताशा और निराशा की लहर, अभी फिलहाल चुनाव के परिणाम आने बाकी हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि जब तक परिणाम नहीं आता तब कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल अभी तक की जो अपडेट्स हैं उसमें, चाहे रामपुर की बात कर लें, चाहे खतौली की बात कर लें और चाहे मैनपुरी की बात कर लें, साफ तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो पीछे और समाजवादी पार्टी आगे। अखिलेश यादव जो सभा प्रमुख हैं वो लखनऊ से मैनपुरी के लिए रवाना हो चुके हैं और अभूतपूर्व जीत की बात कर रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी के लोग। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अभी फिलहाल कुछ बोलने से कतरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी यहाँ पर नहीं है जो कुछ बोल सके फिलहाल। अब हम पल पल पर आपको अपडेट देते रहेंगे। कैमरामैन रोहित के साथ शशांक श्रीवास्तव, एमकेएन न्यूज़, लखनऊ।